यवतमाल जिले के दिगरे शहर में इन दिनों विभिन्न इलाके की नागरिक पेयजल की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। नगर पालिका की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पेश है दिगरे संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। ये दिग्रस नगर पालिका की इमारत है जहां से शहर के विभिन्न इलाकों में नागरिक सुविधाओं की पूर्ति की जाती है, लेकिन इन दिनों यहां से केवल लेट लतीफी, लापरवाही और काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी यानी खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से शहर के अधिकतर इलाकों में पेयजल की समस्या गहरा गई है जिसका समाधान होता नहीं दिख रहा। इन दिनों मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, संभाजीनगर और घंटी बाबा परिसर के लोग पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को मोतीनगर के जागरूक नागरिकों ने जलापूर्ति विभाग के अभियंता गौरव मांडले का घेराव कर रोष व्यक्त किया है। इस दौरान मोतीनगर में अत्यल्प पेय जलापूर्ति, आधी रात के बाद जल वितरण सहित जलापूर्ति विभाग के ठेकेदार और कर्मचारियों की शिकायत की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारी ने शुरू में अपने ऊपर लदे काम के बोझ का, शहर में बिछी पुरानी पाइपलाइन का, तो कभी विभिन्न तकनीकी बाधाओं का हवाला देते हुए सवालों से बचने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ते दबाव और इन BCN के प्रति प्रश्न के बाद उन्होंने पेय जलापूर्ति की समस्या को सुलझाने को लेकर हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। ना जो प्रॉब्लम आ गया कि जो कुछ पानी अपने को पुराना है, जो नागरिक को जो देना है, वो सब अरुणावती डैम से अपने को सब वाटर मैनेजमेंट करना है। तो हम अरुणावती डैम से जो पानी लेके हम पहले देवनगर का जो जल शुद्धिकरण केंद्र है वहाँ पे अपन देते हैं, और वहाँ से वो पानी अपन दत्तापुर के कुएं में छोड़ते हैं। यानी वाटर अपन ऐसे घुमा के दत्तापुर के कुएं के लिए कुएं में छोड़ते हैं, मोतीनगर, चांदनगर, गौलीपुरा, ये जो मेजर एरिया है वहाँ पे, वहाँ से अपन। तो ये वजह से क्या होता है कि पानी का जो शॉर्टेज गिरता है, पूरा पानी अपन वहाँ से धरन से ले रहे हैं और वहाँ पे छोड़ रहे हैं और वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है और एरिया बढ़ गया है। और पाइपलाइन जो है आपके मोतीनगर की या अपना चांदनगर, गौलीपुरा, ये बहुत ही पुरानी हो गई है और PVC पाइपलाइन है। तो अभी नया जो वाड़ी पानी पुरोठा योजना मंजूर हुई है शासन की से, लेकिन उससे थोड़ा हायर रेट का टेंडर मिले हमको, तो नगर पालिका की परिस्थिति नहीं होने की वजह से फिर से हमने वो प्रस्ताव भेजा है, तो जल्दी मंजूर होके आएगा और मई या जून महीने तक अपना फिर से टेंडर लग के फिर से अपना काम शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि दिग्रे शहर से सटे अरुणावती बांध और नानगवान बांध में पर्याप्त जल भंडार है, बावजूद इसके पालिका प्रशासन के बेतरतीब जलापूर्ति नियोजन से पेय जलापूर्ति का गणित बुरी तरह बिगड़ चुका है, जिसे बिगाड़ने में निष्क्रिय प्रशासन और जलापूर्ति विभाग के लापरवाह कर्मचारियों का योगदान भरपूर है। वैसे भी इन दिनों नगर पालिका में कार्यकाल खत्म होने से नगर सेवक नदारद है, प्रशासक पद भी प्रभारी के जिम्मे हैं और बचे कुचे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मैदान साफ है, जिस पर टालम टोल और लापरवाही का खेल जोरों से खेला जा रहा है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।